नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट की प्रत्याशी जयप्रदा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा के माध्यम से लोगों से वोट अपील करते हुए सेवा का मौका देने की बात कही। जयाप्रदा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील करते हुए सेवा का मौका देने की बात कही। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आए। और तो और, पुलवामा अटैक का बदला बालाकोट में सेना द्वारा दिया गया, जिस पर नकवी ने सेना को मोदी की सेना कहकर संबोधित किया। इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सेना को मोदी की सेना कह कह चुके हैं। तो हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को तबाह भी किया, उनको ढेर भी किया और उनके कैंपों को बर्बाद भी किया। और जब पुलवामा में हुआ तो बालाकोट के अंदर हमारी मिसाइलों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके पूरे के पूरे इलाके को तबाह किया और उन आतंकवादियों को भी खत्म किया। ये सामान्य सी घटना नहीं है। अब दिक्कत यह हुई कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब चिल्लाने लगे कि भाई ये जो है, जो मोदी जी ने घुस घुस करके, मोदी जी की सेना ने घुस घुस करके आतंकवादियों को तबाह किया, उसका सबूत सबूत दिखा दो। यानी कि चोट आतंकवादियों को लग रही थी, पाकिस्तान को लग रही थी, चीख जो है यहां पर अखिलेश यादव की, मायावती जी की और राहुल गांधी की। वैसे रामपुर से मुजासिम खान की खास रिपोर्ट।